हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में संधि प्रकरण। ओके, संधि में जब हम नियम लगाते हैं संधियों को मेल करने के लिए, तो उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस आपके प्रॉब्लम ईज करने के लिए मैं आपको कुछ मेथड बताती हूँ। पर संधि की परिभाषा क्या है? अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो वर्ण आप मिला लो, है ना, तो वो जो परिवर्तन है वो पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में भी हो सकता है, और इसे संहिता कहते हैं। पूर्व पद यानी पहला वाला पद, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या हो गया पूर्व पद और आलय हो गया उत्तर पद, है ना। तो जो ये बोल रहा है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण यानी विद्या का आ और उत्तर पद का प्रथम जो वर्ण है वो आ, वो दोनों मिलकर दोनों के स्थान पर केवल आ हो जाएगा, तो वो विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम संधि कहते हैं, है ना। अब ये संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, यदि दो अत्यंत समीप स्थित स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन होगा तो वो स्वर संधि होगी। स्वर का स्वर के साथ मेल, जैसे अ आ ई ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग अह, ए ऐ ओ औ यहाँ तक का, है ना। तो इसको, इसमें हम जब भी अंक की आपस में जब संधि कराएंगे तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे देव प्लस आलय देवालय, तो अ और आ मिलके आ हो गया। ठीक है, फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तो त और न दोनों ही व्यंजन है और जो बना है वो भी व्यंजन बन गया। ऐसे ही कस प्लस चित, तो कश्चित। वाक प्लस अस्थि वागस्थि, ये सब आपका व्यंजन का स्वर के साथ में मेल होगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जगत प्लस ईश, ईश जगत जगदीश हो गया, है ना। अब स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होगा, देखिए जब भी आप संधि को दीर्घ संधि इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जब आप दो स्वर लेते हो, दो स्वर, एक छोटा स्वर एक बड़ा स्वर, जैसे अ और आ का लिया तो भी बड़ा बनेगा आ, ई छोटी ई और बड़ी ई का लिया तो बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिया तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ लोगे तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ लोगे तो भी बड़ा ऊ। ये सब अगर आप इन री और इन सब के, है ना, जब आप सब मिला लोगे नियम, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, दीर्घ संधि के अंदर आ जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका क्या है याद रखने का, बड़ा आसान सा तरीका है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वा प्लस अपी क्वापी, है ना, तो अब आप इसको बोलिए जरा, क्वापी 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 क्वापी। आप पहले क्व अलग बोलिए, अपी अलग बोलिए, क्वापी क्वापी। अब फास्ट बोलिए, क्वापी 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 क्वापी। आप नोटिस करेंगे कि ये जो साउंड है, ये जो सुर है, स्वर है, ये अपने आप ही आ की मात्रा दे रहा है, है ना। ऐसे ही इसमें देखिए, दैत्य प्लस अरी, है ना, दैत्य अरी है, 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 दैत्य अरी है। अब इसको जल्दी जल्दी बोलिए, दैत्य अरी दैत्य अरी दैत्य अरी दैत्य अरी दैत्य अरी, अपने आप आ साउंड आ गए, है ना। हिम अंशु हिम अंशु हिम अंशु हिम प्लस अंशु हिम अंशु हिम अंशु हिम अंशु। अब फर्स्ट बोलिए, हिम अंशु हिम अंशु हिम अंशु हिम अंशु हिम अंशु। जैसे ही आप जल्दी बोलना शुरू करेंगे ये आ बन जाएगा। बेसिकली हिंदी या संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसमें आपको जो आप बोलते हो वही स्पेलिंग में यूज हो जाता है। दिन अंक दिन का अंक यानी दिनांक यानी कि डेट, है ना, तो दिन अंक दिन अंक दिन अंक, तो दिन अंक 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 दिन अंक। जब आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो ये आ की मात्रा अपने आप देगा आपको। इस तरीके से आप देखोगे अ और आ, आ या अ, जैसे इसके लास्ट में अ आ रहा है, यहाँ पे भी अ आ रहा है, ये आ की मात्रा बना रहा है ना। अब अगर परम आनंद 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 परम आनंद, अपने आप देखोगे आ की मात्रा बन रही है। मम आज्ञा मम आज्ञा मम आज्ञा मम आज्ञा मम आज्ञा मम आज्ञा मम आज्ञा, जल्दी जल्दी बोलिए, मम आज्ञा बन जाएगा। तो इसका मतलब और आ ने भी क्या दे दिया, आ दे दिया। आ और अ देखिए, विद्यार्थी 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 विद्यार्थी, जल्दी बोलिए, विद्यार्थी 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 विद्यार्थी। कन्या अर्थी कन्या अर्थी कन्या अर्थी कन्या अर्थी कन्या अर्थी कन्या अर्थी कन्या अर्थी, अपने आप आ साउंड आ रही है, देखिए बहुत सरल है समझना इसको।
महाअरण्य 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 आ साउंड, वापस आ साउंड, फिर आ से आ के बाद आ हो तो देखिए तो और भी आसान है। विद्यालय 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 आ की साउंड आ गई है ना। घोरा आग्रह घोरा आग्रह घोरा आग्रह घोरा आग्रह घोरा आग्रह घोरा घोरागारह घोरागाग्रह, जल्दी जल्दी बोलिए, जैसे कृपा आग्रह कृपा आग्रह कृपा आग्रह, जल्दी बोलिए कृपा आग्रह कृपा आग्रह कृपा आग्रह। आ की साउंड ऐसे ही, ई की साउंड देखिए, बड़ी ई छोटा ई, ठीक है। तो मुनि इंद्र, पहले ई और ई, स्मॉल ई देखिए, छोटी ई और छोटी ई, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई के, मुनि इंद्र 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 मुनि इंद्र, बड़ी की साउंड आ रही है देखिए। ऐसे ही जब आप ई के आगे बड़ी ई लगा रहे हैं, कपि ईश कपि ईश कपि ईश कपि ईश कपीश 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 कपीश, बड़ी ई आ गई देखिए, है ना। आपको रटने की भी जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकली एक्सरसाइज कीजिए, बड़ी आसानी आसान टेक्निक है। क्षिति ईश क्षिति ईश क्षिति ईश क्षिति ईश क्षितीश 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 क्षितीश, तो पे बड़ी मिक्की मात्रा अपने आप फोर्स लग रहा है देखिए। क्षिति ईश क्षिति ईश क्षिति ईश क्षितीश 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 क्षितीश, मिक्स हो गई आवाज आपके मुंह के अंदर ही, वो मिक्स हो जाएंगे लेटर्स, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये बड़ी की मात्रा जा रही है। फिर ई के आगे छोटा ई, मही इंद्र मही इंद्र मही इंद्र मही इंद्र मही इंद्र मही इंद्र, जल्दी बोलिए, महेंद्र 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 महेंद्र, ऑटोमेटिकली आपको ई मिल जाएगा। ऐसे ही के आगे ई, रजनी ईश रजनी ईश रजनी ईश रजनी ईश रजनी ईश रजनीश रजनीश रजनीश। फिर ऊ से आगे ऊ होना, गुरु उपदेश गुरु उपदेश गुरु उपदेश गुरु उपदेश गुरु उपदेश गुरु उपदेश, देखिए बड़े की मात्रा आ गई। सुउक्ति 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 सुउक्ति, देखिए बड़ा ऊ हो गया है ना। ऐसे ही अब आप देखिए, छोटे ऊ से परे बड़ा ऊ होने पर, यहाँ पे छोटा ऊ यहाँ बड़ा ऊ, तो सिंधु ऊर्मी 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 सिंधु ऊर्मी, बड़े ऊ की मात्रा साउंड हो रही है। ऐसे ही ऊ के बाद छोटा ऊ होने पर वधू उत्सव वधू उत्सव वधू उत्सव वधू उत्सव, देखिए बड़े ऊ की आ रही है, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल रहा है। ऊ से ऊ होने पर भू ऊर्ध्वम 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 भू ऊर्ध्वम, बड़ा ऊ। री री से परे री यर री होने पर तो होत्रकार 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 होत्रकार, देखिए नीचे री लग गया। मात्र ऋणम मात्र ऋणम मात्र ऋणम मात्र ऋणम मात्र ऋणम मात्रणम 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 ऋणम बन गया, ठीक है। पितृ ऋणम पितृ ऋणम पितृ ऋणम पितृ ऋणम पितृ ऋणम पितृ ऋणम पितृणम 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 पितृणम, यानी ये त्र आ गया है ना, और यहाँ पे री आ गया, तो वो री जो है वो इसमें ऐड हो गया जाके, ठीक है। नीचे के साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर जैसे ये है पितृ और प्लस ऋणम, तो ये क्या बन गया देखिए, पितृ यहाँ पे एक र फिर एक और यहाँ र और फिर ऋणम, इस तरह से बना, यानी एक र यहाँ पे आके ऐड हो गया, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ तक आपकी ये दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। सो थैंक यू सो मच, आप प्रैक्टिस करिए, इसके साउंड की प्रैक्टिस करिए, जैसे आप वर्ण बोलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि दीर्घ संधि में किस प्रकार से चेंज हो रहा है। आ में आ और आ आ बन रहा है, ई और ई ई बन रहा है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ऊ और ऊ ऊ बन रहा है बड़ा ऊ, इसी तरह से ऊ से री और ये होने पर इसमें भी आपको साउंड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे गुड़ संधि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।